नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 90% नॉर्मी में। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो मेरी 5-स्टार एनालिसिस सीरीज का पार्ट है। तो अगर आपने इस सीरीज की एक भी वीडियो अगर मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी सारी सीरीज देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये कंपनी एक शिपयार्ड है, एक शिपयार्ड जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस शिपयार्ड में जो इसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना पड़ा, इतना बड़ा शिपयार्ड है ये? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, एक कंपनी है जो शिपयार्ड को चलाती है। तो अगर मैं इसका जो मेन काम आपको बताऊँ तो ये रिपेयर, रिफिटिंग, लाइफ एक्सटेंशन, ये शिप्स के लिए ये सब काम करती है और शिप बिल्डिंग भी करती है ये कंपनी। तो अगर मैं आपको वेबसाइट पे जाके इसका दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे इसकी फोटोज आप देखिए, ये देखिए कोस्ट गार्ड, ये महर्षि परशुराम कैसे लाइट में चमक रहे हैं, इंदिरा पॉइंट, और ये मेरे देश की शान, आए 1971 का हीरो INS विक्रांत। तो ये इतने बड़े बड़े मतलब शिप्स का ये रिपेयरिंग, रिफिटिंग वगैरह करती है ये। यहाँ पे देखिए फोटोज में दिया है बहुत सारे, ये INS विक्रांत, ये महर्षि परशुराम, ये INS विराट, ये INS विक्रमादित्य। तो ये तो मतलब काफी बड़ा शिपयार्ड है जो कि मतलब इतने बड़े बड़े शिप्स के लिए ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए शिप रिपेयरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, फैसिलिटीज, फाइनेंशियल्स और शिप बिल्डिंग वगैरह ये सब करता है। और कंपनी के बारे में तो आपको बात करने आऊंगा तो मैं काफी ज्यादा बोल दूंगा, मैं सीधा आपको बिना टाइम वेस्ट किए इसके फिगर्स पे लेके चलता हूँ। इसका मार्केट कैप है 4,000 करोड़ के आसपास। एज ऑन 23rd September 2020 इसका करेंट प्राइस है 310 रुपीज़ 70 पैसे। इसका 52 वीक हाई है 491 रुपीज़ और 52 वीक लो है 209। बुक वैल्यू है शेयर का 283 रुपीज़, यानी ये शेयर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू में 1.10 मिल रहा है, मतलब आपको बुक वैल्यू से 10% प्रीमियम में मिल रहा है अभी ये स्टॉक। स्टॉक का पी है 7.30 का और इंडस्ट्री पी है 13.93 का। तो मतलब आपको इंडस्ट्री के मुकाबले अंडर वैल्यूड मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए कितना शानदार है कंपनी का, 5.35% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब आप लगभग इन्फ्लेशन को तो सिर्फ आप डिविडेंड यील्ड से ही मार दोगे। ये रेशियोज देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंपनी के लिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24.92, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.01 और सेल्स ग्रोथ एवरेज 3 ईयर्स 18.46%। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फिगर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जैसा कि मैं आपको बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो ये प्रमोटर होल्डिंग इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 72.86%, 0% प्लस शेयर्स और 0% चेंज इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग रीसेंट क्वार्टर में। और पैग रेशियो कंपनी का 0.13 का है, करेंट रेशियो कंपनी का 2.05 का है और अर्निंग सील्ड आप देखेंगे तो 33.35% का अर्निंग सील्ड है। मतलब और यहाँ पे ये मेन चीज़ देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.03% का, मतलब सिर्फ डेब्ट 123 करोड़ का डेब्ट है कंपनी के ऊपर। अब इतने ज़्यादा अच्छे फिगर्स है कंपनी के तो ज़रूर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। कौन से यहाँ पे बस दो ही दिया है कंपनी के बारे में, इसके ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटीज है और अर्निंग्स में इसका अदर इनकम है 244 करोड़ का, हम देखेंगे इसमें क्या है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो जैसा कि अभी नेवल ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा तगड़े हो चुके हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स और दूसरे साइड में, तो इसके कारण इसमें थोड़ा सा रेवेन्यू थोड़ा सा चेंज हुआ था। बाकी तो ये लॉकडाउन के कारण इसका भी बिजनेस डाउन था क्योंकि शिप्स और इन सब का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एकदम ज़्यादा बंद हो चुका है, सारे वाटरवेज अब कॉमर्स के लिए बंद हो चुके हैं, तो उसके कारण इसका ये नेगेटिव 55% यहाँ पे मिल रहा है देखने को ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाऊं तो देखिए कोई भी साल ऐसा नहीं था जिसमें कोई एकदम सब्सटेंशियल नेगेटिव रिटर्न लाई है। कंपनी ने लगातार 3 सालों से 15% के आसपास का रिटर्न मेंटेन किया है। कंपनी ने कभी कोई कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं किया है लेकिन फिर भी 19-20% आ जाता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं कंपनी के हिसाब से 19-20% प्रॉफिट मार्जिन सही मार्जिन मानता हूँ। अर्निंग पर शेयर भी डिसेंट निकल आता है और डिविडेंड तो जैसा कि मैं आपको बताया कंपनी अच्छा खासा देती है। और अदर इनकम की बात थी यहाँ पे हम देखे थे तो हाँ, अदर इनकम में काफ़ी बड़ा पार्ट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में 638 है और यहाँ पे अदर इनकम में 248 है। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि रेवेन्यू का मेन उसके बिजनेस ऑपरेशन से छोड़ के अदर इनकम से उसका काफ़ी बड़ा पार्ट आता है प्रॉफिट का, तो इसको मैं नेगेटिव पॉइंट मानूंगा कंपनी के लिए। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो एक टिपिकल बैलेंस शीट देखने को मिलता है, यहाँ पे
आपको यहाँ से 232 से यहाँ से देखने को देखते तो आपको लगता कि कंपनी ने बाय बैक किया था, जी नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था कंपनी का जिसको कंपनी रिडीम कर दी थी। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा है, इवन मार्च 2018 वाले ईयर में कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ाया था, तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल रहूँगा। बाकी रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़े, जहाँ कभी नेगेटिव में हुआ करता है होता था, आज वो 3600 करोड़ का रिजर्व है। बॉरोइंग्स कंपनी का जीरो था, अभी एकदम नेगलिजिबल बॉरोइंग्स बोलूँगा मैं इसको, 123 करोड़ का, जो कि 4600 करोड़ के 4000 करोड़ की कंपनी के सामने 123 करोड़ का बॉरोइंग उसका बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट होता है, उसको इसको आप कंसिडर मत करिए। तो बैलेंस शीट में एक और ध्यान देने लायक बात यह है कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में तैयार है, मतलब उसके मार्केट कैप से आधा उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी अपने आप अपने पास रखी हुई है। तो मतलब कोरोना वायरस का जो ये ख़राब सिचुएशन चल रहा है उसके लिए कंपनी तैयार है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2000 करोड़ से ज़्यादा का है फिलहाल, तो कंपनी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार है ख़राब टाइम्स के लिए। अब कैश फ्लो मैं आपको दिखाऊंगा तो ये यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इसका प्रॉफिट निकल आता है, फिर हमको कैश फ्लो भी इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगभग हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट परचेज इन्वेस्टमेंट शोल्ड पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी इसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसा कि अदर इनकम हमको देखने को मिला था और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो कंपनी ने इससे पता चलता है कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं जिसका उसको इंटरेस्ट और उसके अदर इनकम हमेशा मिलते रहते हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट अगर वो बन जाता है कंपनी के प्रॉफिट का तो वो नेगेटिव हो जाता है, मेरे कहने का मतलब होता। और फिक्स्ड एसेट परचेज करती है कंपनी हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट पे, तो ये भी अच्छी बात है। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को छोड़ के हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो कंपनी बॉरोइंग्स को हमेशा रीपेमेंट करती है, वहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगा। कंपनी ने डेब्ट ले लिया था हल्का फुल्का, इसलिए थोड़ा बहुत इसका इंटरेस्ट पेड वहाँ पे दिखाता है, और कंपनी जैसा कि लगातार डिविडेंड देती है वहाँ पे आपको लगातार अमाउंट देखने को मिलेगा डिविडेंड्स पेड में। ये देखिए यहाँ पे भी आपको अच्छे रेशियो देखने को मिल रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी 25% पे चल रहा है। डेटर डेज आप देखिए 48 पे था पिछले साल और इस साल 31 पे आ चुका है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 33% तक सीधा रिडक्शन, मतलब 33% आसपास के सीधा रिडक्शन करना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है डेटर डेज के लिए। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखिए 6.04 है, ये भी कंपनी का बढ़ा है, तो ये भी एक और अच्छी बात है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग अगर मैं अपने तीसरे पॉइंट पे आऊँगा मैनेजमेंट एनालिसिस में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक जो है मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने पिछले के पिछले क्वार्टर में अपने लगभग 2.5% के आसपास का शेयर्स रिड्यूस कर दिया था, तो वहाँ पे हमको कुछ नेगेटिव तो सोचने को नहीं मिलता है। वो किसी भी चीज़ के लिए रिड्यूस हो सकता है, हो सकता है कंपनी को जो डेब्ट वगैरह लेना होगा उसके कारण रिड्यूस हो सकता है, या फिर कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो उसके कारण हो सकता है, तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। FIIs का स्टेक आप देखेंगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी स्टेक है, बहुत ज़्यादा छोटा स्टेक है कंपनी का, तो उस पर भी मैं न्यूट्रल रहूँगा। और DIIs आप देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास स्टेक रखते हैं, पिछले क्वार्टर में 13% था और इस क्वार्टर में 10% हो गया, तो DIIs ने भी अपना स्टेक कम किया है, तो ये एक कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बाकी DIIs में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम है, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसके ऊपर मैंने अपना एनालिसिस किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का इसमें स्टेक है, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी उसका स्टेक है, HDFC ट्रस्टी कंपनी उसका स्टेक है, तो म्यूचुअल फंड्स का तो अच्छा बड़ी बड़ी कंपनीज का स्टेक है इस कंपनी में। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं आपको दिखाऊँ कंपनी के वेबसाइट पर मैं आया हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये श्री मधु एस नायर हैं, इन्होंने January 1, 2016 से अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया है इन्होंने इस कंपनी को। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं कोई अच्छा कुछ ट्रेंड सेट नहीं कर सकता हूँ कि कंपनी में कुछ पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं न्यूट्रल रहूँगा। अब अगर मैं इसके इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस करूँगा तो मैं बस आपको एक पीयर कंपैरिजन चार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे ये कंपनीज जो हैं, यहाँ पे आपको 7 कंपनीज दिख रही हैं, ये शिप बिल्डिंग का काम करती हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये मेंटेनेंस में भी अपना काफ़ी ज़्यादा बिजनेस चलाती है, तो शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस में इसका काम, तो देख लीजिए आप, इससे अच्छे फिगर्स आपको इसकी किसी भी कंपेटिटर किसी भी पीयर कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा ये स्टैंड आउट करता है। अब अगर मैं लास्ट पॉइंट अपना ओपिनियन बताऊं, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये स्टॉक जो है, ये अभी इंटरनेशनल सिचुएशन जो है, जो इंटरनेशनल ट्रेड चलता था हमारा कोरोना वायरस के पहले बहुत ज़्यादा बूम पे चलता था और बहुत ज़्यादा वाटर वे में एक्सपेंड करने वाली थी कंपनी, बजट में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट एलोकेट किया था हमारी गवर्नमेंट ने,
लेकिन फिर भी अब सिचुएशन ख़राब चल रही है, तो उसके हिसाब से ये कंपनी थोड़ा सा भी और ज़्यादा डाउन आ सकती है, थोड़ा और ज़्यादा फॉल हो सकता है कंपनी में, जैसा कि आपको यहाँ पे स्टीप फॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये कंपनी और ज़्यादा फॉल हो सकती है। तो आप अगर अभी थोड़ा सा वेट करें, और ज़्यादा फॉल होने का वेट कर सकते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में 90% चांस है कि ये फॉल होगा, और क्योंकि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन नहीं चलने वाला है नॉर्मल सिचुएशन सभी होने में, वाटरवेज को चालू होने में और इंटरनेशनल ट्रेड को एकदम फुल फ्लेज चालू होने में, उसमें तो टाइम लगेगा। उसी कारण से रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वाली जो एक्टिविटीज़ है वो भी इसमें कम दिखेगा, इसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो उसके कारण ये स्टॉक और ज़्यादा फॉल हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो ये अच्छा स्टॉक है। अब मैं सीधा इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स गिनाता हूँ, उसके बाद हम इसको अपने 5-स्टार एनालिसिस में रेटिंग देंगे। तो सब कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। जैसा कि आपको फिगर्स में भी देखने को मिला है, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है कंपनी ने पास्ट में। वो आप इसके कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो देख लीजिए, इसके इक्विटी के रेशियो देख लीजिए, इसके सेल्स के रेशियो देख लीजिए, सब में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू। इसका जो रेवेन्यू है ये सिर्फ शिप बिल्डिंग से नहीं आता है, ये शिप बिल्डिंग के रिपेयरिंग करती है, इसकी रीफिटिंग करती है, जो शिप्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है उनकी लाइफ एक्सटेंशन करती है, और जो शिप बिल्डिंग का तो मेन काम है उसका वो भी करती है, तो इसका जो एक तरह से डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज इन ऑर्डर बुक। जो कंपनी का ऑर्डर बुक होता है, जैसे ये कंपनीज ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं, गवर्नमेंट हो गया, कंपनीज होंगे, ये सब इनको इन कंपनीज को ऑर्डर देती हैं कि आप इतने पैसे में मेरे लिए ये काम करिए, तो जो कंपनी का एक ऑर्डर बुक रहता है जिसमें सारे ऑर्डर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ऑर्डर बुक में, मतलब अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसा कि आपको मैं रिसेंट में बताऊँ तो अभी कुछ महीने पहले इसको 500 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था शिप रिपेयरिंग का, तो मतलब इसका ऑर्डर बुक में तो इंक्रीज़ आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इसका मीडियम टर्म में अच्छा मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपने फिगर्स को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल में आपको समझाया है, और क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो इतना मतलब देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप देख लीजिए, मतलब कंपनी ने कोई डेब्ट वगैरह नहीं लिया है, लगभग ज़ीरो डेब्ट है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है इस कंपनी में 72% का है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिड्यूस कर सकता है जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो कंपनी बहुत ज़्यादा बेहतरीन फाइनेंशियल पोजीशन में, इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। करंट रेशियो भी मैं आपको दिखाया था 2 का है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी कंपनी रखी है 2000 करोड़ का, तो मतलब लिक्विडिटी तो की तो कोई जवाब नहीं है कंपनी का, बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी है। अब मैं नेगेटिव के बारे में बात करूँ कंपनी का, तो पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका जो लार्ज केपेक्स प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का। कंपनी एक इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी बिल्ड करने वाली है जिसमें कंपनी बहुत ज़्यादा खर्चा करी है, मतलब एक टाइप से आप ये कंपनी के लिए जुआ मान सकते हैं इस कोरोना वायरस के टाइम पे, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है वो लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर करके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी बना लेती है, अगर कोरोना वायरस के ठीक होने तक वो ऑपरेशनल हो गया और सिचुएशन नॉर्मल हो गई तब तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुआ और शुरू के कुछ साल उसको नेगेटिव झेलना पड़ा, तो मतलब कंपनी तो अच्छी है मेरे हिसाब से, कंपनी नेगेटिव झेल सकती है, लेकिन किसी भी कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी हो अगर कुछ साल उसके बिजनेस के शुरुआत के ही ख़राब रहते हैं तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, उसको ग्रो करने में मुश्किल होता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। कंपनी के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, कंपनी के शिप के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स रहते हैं जिनको उसको फॉरेन से मंगवाना पड़ता है, फॉरेन से फिट करना पड़ता है, कई सारे इसको ऑर्डर्स वगैरह देना पड़ता है फॉरेन में, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट हुआ, जैसे मान लीजिए रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर हो गया, तो ये कंपनी को ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे फॉरेन में, तो इस कारण से फॉरेन एक्सचेंज में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाता है, तो ये एक टाइप का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो साइक्लिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए मेरा एक रेनकोट का बिजनेस है और वो सिर्फ बरसात के मौसम में मेरा बिजनेस चलता है, गर्मियों के मतलब उस गर्मी के लगभग टाइम पे लोग खरीदते हैं अगर ज़रूरत है, नहीं तो बरसात के टाइम पे मेरा लगभग बिजनेस चलता है, उसके बाद कोई मेरे से सर्दियों में रेनकोट नहीं खरीदता है, कोई नहीं खरीदता है, तो ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री हो गई। वैसे ही ये जो शिप्स का रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि बरसात के कारण जो जंग वगैरह लग जाती है और जो शिप्स को खर्चे वगैरह उठाने पड़ते हैं उसको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, तो वो कंपनी सर्दियों के टाइम में या फिर बरसात के टाइम में करेगा, गर्मियों के टाइम में इसका बिजनेस डाउन ही रहता है लगभग के टाइम,
तो ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो साइक्लिकल इंडस्ट्री आपको मैटर नहीं करता है, शॉर्ट टर्म में ही आपको साइक्लिकल इंडस्ट्री मैटर करेगा। तो मैंने आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो सारे गिना दिए हैं, अब आइए आपको सीधा आपका बिना टाइम वेस्ट के लेके चलता हूँ अपने 5-स्टार एनालिसिस रेटिंग में। तो मैं कंपनी को दूंगा 1 स्टार, फिगर्स को मैं दूंगा 1 स्टार, मैनेजमेंट को मैं दूंगा 0.75 स्टार, क्योंकि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देखने को मिले थे तो मैं न्यूट्रल रहूंगा इस पे। चौथा पॉइंट इसके इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में, इसको मैं दूंगा 1 स्टार, और अपने ओपिनियन बायस अलोन में 0.75 स्टार दूंगा। मैं अपने ओपिनियन में इसको 0.75 स्टार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा हार्श टाइम फेस कर सकता है, जो कोरोना वायरस के कारण जो इसका काम चल रहा था, इसका ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हुआ है, तो उसके कारण इसको थोड़ा हार्श टाइम फेस करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं अभी इसको एकदम बाय का इंडिकेशन नहीं दे सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देखिए, थोड़ा एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लीजिए, और अपने एनालिसिस करने के बाद इसमें इन्वेस्ट करिए। बाकी तो ये वीडियो में मैंने जो भी बोला ये सब मेरे ओपिनियंस है, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने ब्रोकर से सलाह मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करिए, मेरे वीडियो देख के कुछ भी इन्वेस्ट आँख बंद करके इन्वेस्ट मत करिए। और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कितना अच्छा स्टॉक है ये, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलरली मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर। Thank you.